तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, ये जानवर पागल ही नहीं अब बहुत ही खूंखार हो चुका है और जख्मी तो ये हो ही गया था क्योंकि इसके सामने जो क्लैश कर रही है सैम बहादुर, विकी कौशल स्टारर में जो बन रही है, भाई बहुत ही तबाही मचने वाली है क्योंकि मात्र 8 से 9 दिन बचे हैं और ये जानवर जो हमला करने वाला है, फाड़ के हमला करने वाला है, सॉलिड तबाही देखने को मिलने वाली है क्योंकि मूवी को सर्टिफिकेट मिल चुका है। ए सर्टिफिकेशन से इस मूवी को नवाजा गया है और इसमें भर भर के एडल्ट कंटेंट मिलने वाला है, वो वाला नहीं, खून खराबे वाला, मतलब हर जगह ऐसा खून खराबा, ब्लडीनेस एंड ब्रुटैलिटी देखने को मिलेगी ना, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी क्योंकि ये जानवर अब तबाही करने के लिए बस 9 दिन ही बचे हैं और ये भयंकर भयंकर हमला करने वाला है थिएटर हाउस में जबरदस्त तरीके से। तो मूवी को ए सर्टिफिकेशन से नवाज गया है। अभी और बातें करेंगे कि मूवी की रन टाइम क्या है, एडवांस बुकिंग में कैसे हाल चल रहे हैं, सभी चीजों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक तो जुड़े रहना है और वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, कब, जब एक आध मिनट में काम पसंद आ जाए तब। तो भाई साहब, एनिमल मूवी की रन टाइम आ चुकी है जो लॉन्गेस्ट एवर देखने को मिल रही है इस साल की, 3 घंटा 21 मिनट 16 सेकंड की ये पूरी मूवी होने वाली है। तो सवाल ये उठता है, भाई इतनी लंबी फिल्म बनाने की आखिर जरूरत क्या थी, आप इसे 2 पार्ट में भी तोड़ सकते थे। क्योंकि भाई साहब देखो जाए तो यार, इतनी लंबी के लिए ऑडियंस रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी, क्योंकि एक साथ बैठाना जमाना ये बड़ा कठिन काम हो जाता है किसी भी ऑडियंस को, क्योंकि लॉन्ग टाइम जो मूवी होती है, रन टाइम जिनकी बहुत ज़्यादा होती है, कहीं ना कहीं ये उनके लिए पिटफॉल साबित होता है। तो वैसे देखा जाए तो भाई संदीप रेड्डी वांगा ने एनिमल के लिए जो हाइप सेट कर दी है, टीजर, उसके बाद सॉन्ग्स जो ऐसे फाड़ू निकल रहे हैं, कोई भी सॉन्ग्स ऐसा नहीं आया जो पिट चुका है इसका, सभी दमदार सॉन्ग्स आ रहे हैं और सॉन्ग से ही हमें पता लग रहा है कि भाई साहब मूवी में आखिर होने क्या वाला है। मतलब टीजर ही इसका इतना फाड़ू है और आज तो ट्रेलर रिलीज हो जाएगा। पहली चोट आज जानवर मारने वाला है, भाई साहब आज वार शुरू कर देगा ये जानवर, एनिमल, रणबीर कपूर एज एनिमल। आज 23 अक्टूबर को लगभग ये ट्रेलर हमें 12 बजे के बाद देखने को मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली पर एक जबरदस्त प्रोग्राम सेट करा जा रहा है मेकर्स की तरफ से, कोई प्लाजा सिनेमा है दिल्ली में, PVR के अंदर आता है, वहां पर एक बड़ी स्क्रीन पे ये ट्रेलर को रिलीज कर दिया जाएगा जिसकी टाइमिंग है लगभग 12 बजे। तो ऑफिशियली ये यूट्यूब पर कब आ जाएगा, तो वो 12 बजे के बाद कभी भी आ सकता है, हो सकता है 2 बजे, हो सकता है 1 बजे या फिर 12:30 बजे, या एट द मोमेंट एट द टाइम 12 बजे ही आ सकता है, जो भी होगा देख लेंगे कि कब आता है। बस ट्रेलर के लिए वाकई दिल से इंतजार है और यार, लेकिन जो ये मूवी इतनी लंबी होने को जा रही है, 3 घंटा 21 मिनट, भाई बहुत होती है। अगर देखा जाए तो पिछले 1-2 साल में या फिर 3-4 साल के अंदर सिर्फ KGF 2 भी इतनी लंबी नहीं थी, RRR का जो टाइमिंग थी बहुत ज़्यादा लेंथी थी वो मूवी, 3 घंटा 2 मिनट। तो एक बार के लिए ना भाई RRR जैसे कॉन्टेंट में भी लोग थोड़ा सा बोर फील करने लगे थे, हालांकि वो मूवी ब्लॉकबस्टर है लेकिन थोड़ा सा स्लो हो चुकी थी वो मूवी। तो एनिमल में यार इतना सब कुछ है, देखा जाए तो बहुत कुछ है, फाइट एक्शन सब कुछ है, लेकिन हो सकता है कहानी बीच में थोड़ा स्लो डाउन कर दे, तो ये ऑडियंस को काटने का काम कर जाएगा, यहाँ पर एक पिटफॉल साबित हो सकता है। लेकिन लग नहीं रहा है भाई, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा का हमने पहला क्रिएशन देख रखा है कबीर सिंह, उस रिमेक कंटेंट से भी इस बंदे ने 280 करोड़ के आसपास छापे थे, वो भी ए सर्टिफिकेशन की रेटिंग थी उस मूवी के पास भी, तो इस मूवी के पास भी ए सर्टिफिकेशन की रेटिंग है। मतलब एडल्ट कंटेंट 18 प्लस के लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं ऐसे सिनेमा को, क्योंकि इसमें खोल के दिखाया जाता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वल्गैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वल्गर सीन तो ऐसे होने वाले नहीं हैं इंडियन मूवीज़ या बॉलीवुड मूवीज़ में, अक्सर ऐसे तो नहीं होते हैं। हाँ, खून खराबा बहुत मिलने वाला है, बेल के मिलने वाला है, वो टीजर और एक आध सॉन्ग से भी समझ में आ रहा है, मतलब हर जगह रणबीर सिंह सही सलामत कम टूटे फूटे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, खून में लथपथ ऐसे नज़र आ रहे हैं। तो भाई ट्रेलर आज आ जाना है, ट्रेलर कैसा होगा, कितना खून खराबा और होने वाला है, और ये मूवी जो 3 घंटा 21 मिनट की हमें बताया जा रहा है, क्या इतनी लंबी ये मूवी देखने लायक होगी या नहीं होगी, वो ट्रेलर से पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रेलर में बहुत कुछ अभी रिवील हुआ ही नहीं है, तो इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जब तक के लिए ट्रेलर का इंतजार करते हैं, तो लेकिन उससे पहले एक नज़र उसमें मान लेते हैं कि यार जो लंबी लेंथी मूवी थी क्या वो चल पाई थी, नहीं चल पाई थी। लाइक RRR की बात करें, 3 घंटा 2 मिनट की इसकी टाइमिंग थी, चल गई थी लेकिन बीच में थोड़ा स्लो डाउन आया था। गैंग्स ऑफ वसीपुर 2 घंटा 40 मिनट की थी, अच्छी थी, उसमें तो ऐसा कोई स्लो डाउन नहीं देखने को मिला, कोई बोरियत नहीं आई, जबरदस्त चलती रही, ऐसा लग रहा था कि और क्या मिलने वाला है, और क्या मिलने वाला है।
कभी खुशी कभी गम। यार देखो, देखा जाए तो वो एरा दूसरा था, वहां पर तो बड़ी लंबी लंबी फिल्में आती थी, शोले भी जो बहुत लंबी थी तो उस टाइम लोग देख सकते थे, लेकिन आज की जो पब्लिक है बहुत फास्ट है एंड एडवांस है। तो कभी खुशी कभी गम का टाइमिंग थी 3 घंटा 30 मिनट, और जवान जो अभी करके आई है 2 घंटा 40 मिनट। भाई साहब ये भी फुल एंगेजिंग मूवी थी, लेंथी है बट फुल एंगेजिंग मूवी थी। टाइगर 3 जो अभी आई है 2 घंटा 30 मिनट, ये भी फुल एंगेजिंग मूवी है। तो देखा जाएगा एनिमल क्या करने वाली, क्योंकि एनिमल की भाई साहब ऑलमोस्ट 3.5 घंटे ही मान के चलो आप, ये टाइमिंग है। देखते हैं आज ट्रेलर रिलीज होएगा, ट्रेलर के लिए तो बहुत एक्साइटमेंट है। आपका कितना एक्साइटमेंट है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।